नमस्कार दोस्तों, लेट्स कुक विद रिचा चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी शेयर करूंगी। फेस्टिवल और विंटर्स के दिन स्टार्ट हो गया है, अब हम तरह तरह के स्वीट्स, केक और हलवा को बनाएंगे। इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ यूज़ होता है, वो है कंडेंस्ड मिल्क। इस कंडेंस्ड मिल्क को घर में बनाना बहुत ही आसान है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट से। तो देर किस बात की, चलिए पहले इसके इन्ग्रीडियंट देख लें फिर रेसिपी। दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं इस कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करके स्वीट्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल पर बने रहना होगा। कंडेंस्ड मिल्क को घर में बनाना बहुत ही आसान है। जितना दूध लेते हैं उसका 1/4 चीनी लगता है, और इसको तब तक पकाना है जब तक गाढ़ा ना हो जाए, और याद रखिएगा ठंडा होने पर और गाढ़ा होता है, इसीलिए इसे थोड़ा पहले ही बंद कर दें। ठंडा होने पर एयरटाइट कंटेनर में 7 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा, और अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून।